चार अगस्त 1947 में जन्म तिथि तो बहुत बले रहे में 1965 तीन दिन लड़ाने भर भर की तारीफ की जो जेठ वाल मोम हो जाए वो औषधि और जो खुशबू वाल स्वाद वाल जो 1966 में जो है इस जगह को शोर फायद के नाम से भी बताते हैं कि हम उनके परिवार में किसी को बताया कि पहली मल्ल पाल और बम शाही एक ही वंश के हो। ये रेंजे कमिश्नर ने अस्कोट रजवार को लेटर दिया है कि तुम मतलब हमको सालाना एक कुमाऊनी भाषा के प्रथम दिन के भव्य आयोजन की अपार सफलता के बाद दूसरा दिन भी बेमिसाल रहा। प्रथम दिन की पूरी गतिविधि आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो जिसका नाम था महाकौथिक कुमाऊनी भाषा में देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया गया है। अब बारी थी कुमाऊनी भाषा सम्मेलन के दूसरे दिन की। दूसरे दिन की शुरुआत भी प्रसिद्ध कुमाऊनी छलिया नृत्य से हो रही थी। अल्मोड़ा से आए छलिया दल के साथ प्रसिद्ध लोक गायक दीवान कनवाल जी भी झूमते नजर आए। कार्यक्रम का प्रारंभ आयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार पंत जी द्वारा प्रथम दिन की पूरी गतिविधि को संक्षेप में वहां पर उपस्थित लोगों को अवगत कराने से हुआ। सबका हार्दिक स्वागत करनो, अभिनंदन करनो और संयोजक घोड़ा गाती ये उम्मीद करनो कि बेई वाल जो कार्यक्रम थी आपको सब लोग ने आनंद उठाना, कई बात नहीं उठना दिमाग में, कई नई चर्चा परिचर्चा होना रात्रि प्रवास अपन उन्हें भर और यह दीजिए अपन प्रयास कर रहा थी कि भोजन और आवास व्यवस्था हम अपन तबीयती कोशिश कर रहा थी कि जब उपयुक्त है सको चली जाओ, मगर उम्मीद जो अपन रात भर का डिनर और खान पीन की व्यवस्था शायद ठीक है ना रहने कि कमी बेसी रह लेगी उन्हें भी तो अपन लोग माफ करिए और सुझाव ने दिया कि कभी बेसी कतिरे रह गए तो क्या आज और भोजन व्यवस्था में सुधार करो। पर संयोजक जो अगर यह मुखिया छन आयोजक डॉक्टर हयात सिंह रावत जी और विस्तार में जो सम्मेलन का अवधारणा आपको सोचना सामने धरी उसके बाद हम लोग फिर यहाँ बैठिया और हम वो दो महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ चर्चा कर ची। एक तो छी कि भूमंडलीकरण बदलते परिदृश्य में कष्ट के हमारे भाषा साहित्य के चुनौती मिल रहे और के समाधान है सकूँ और कुमाऊनी भाषा साहित्य और संस्कृति के बड़ोनर जी जो हमारे विभिन्न माध्यम छन चाहे वो पत्र पत्रिका छन सोशल मीडिया छू हमारा संगीत छू जो सबने के जो योगदान छू वो खास किस्म योगदान छू ये के लिए हम चर्चा छी और हमारे 8-9 विद्वानों ने जो अपने बात यहाँ धर छी कई किताबों में यहाँ जीता रूपाणी मैडम एक किताब छू भारती पांडे जी किताब छू या अन्य कई किताब यहाँ विभूषण लग हो हमारे कई जो लोग जरूरी में सहयोग दे उनके हमारे सम्मानित न करो और जब ब्याल के जो सत्र चलो उमें यहाँ जो स्थानीय कलाकार जी और जो भैर बैठी हमारे लोकनंदा कलाकृतिवार जी दीवान करवाल जी थी या अन्य लोग है रची बहुत सुंदर सांस्कृतिक संध्या रहे मके दागू कि जो लोग उस सांस्कृतिक संध्या में यार छी उन्होंने बहुत आनंद उठा। जो कार्यक्रम के प्रारंभ में अध्यापक श्री भुवन चंद्र पांडे जी के नेतृत्व में जूनियर हाईस्कूल मंडप पिथौरागढ़ के बच्चों द्वारा सुमधुर वंदना प्रस्तुत की गई।
महिला समिति द्वारा कुमाऊं के पारंपरिक त्योहार सातु आठू गौरा महेश्वर से ही इस आयोजन को चार चांद लगा दिए। वहां उपस्थित सभी आगंतुक मेहमानों का जूनियर हाईस्कूल मंडप पिथौरागढ़ के बच्चों द्वारा कुमाऊनी में निबद्ध स्वागत गीत गाकर सम्मान किया। यहाँ उपस्थित अपार जनसमूह से इस कार्यक्रम की सफलता और अपनी संस्कृति और भाषा के प्रति अपार स्नेह को देखा जा सकता था। इस समारोह की खास बात यह रही कि यहाँ हर वर्ग का व्यक्ति बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर रहा था। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या वृद्ध, सभी लोग अपने इस सम्मेलन में अपने भाषा के प्रति उस प्यार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चार अगस्त 1947 में जन्म तिथि थी, बहुत बले रहे में 1965 तीन दिन लड़ाई लड़ रही थी और बांग्लादेश ने आजादी कर रखी थी। वो भैया पर्यावरण पर जो तीन दिन तक चले इस पूरे आयोजन में प्रतिदिन बहुत से लेखकों की किताबों का विमोचन भी किया गया था और बहुत से भाषाविद गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया गया था। वीडियो में सीमित समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए प्रत्येक गतिविधि और प्रत्येक लोगों को दिखा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन यह कार्यक्रम अपनी भव्यता की सभी सीमाएं लांघ गया था। गिरदा पहाड़ी चैनल का प्रयास हमेशा से अपनी संस्कृति और अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज को आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है। बस आप सबसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और गिरदा पहाड़ी चैनल को
एक बार रुक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन तो पक्का दबा दें, क्योंकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। आज के दिन क्षेत्र में लोग इस 3 दिन आयोजित महोत्सव की एक खास विशेषता यह भी रही यहाँ का भोजन, जिसकी यहाँ आए सभी व्यक्तियों ने भर भर के तारीफ की। कैसा लग रहा है मड़वे का लोहा? पहली बार खा रहे होंगे? पहली बार खाना नहीं पता है। अच्छा, चॉकलेटी फ्लेवर है। हमने बात की जो यहाँ आयोजन समिति की पूरी इस भोजन व्यवस्था को देख रहे थे। व्यंजन में हमारा गोभी गडेरी की भांग डाली हुई सब्जी है, राई आलू की सूखी सब्जी है, भटका चुनकानी है, मड़वे का हलवा है और मड़वे की बेड़ीवा रोटी है, सेल है आपके जो है, और जो पहाड़ी हमारे मेथी का पल्यो है, पकौड़ी वाला बड़ा अच्छा लगता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम पहाड़ी डिश यहाँ खिलाएं, भांग की चटनी जो फेमस होती है आपके यहाँ पहाड़ में जो है, उसका भी हम यहाँ हमने बना रखा है, खिला रहे हैं। तो आज ये लंच में पूरा? हाँ, लंच में है, जो चेंज करके दे रहे हैं हमेशा जो है। ये पिथौरागढ़ से है जी, तो कोई आदमी वैसे खरीदना चाहता तो कहाँ आपका हुआ है स्थान? हम तो अभी गाँव में, जैसे व्हाट्सएप वगैरह में हमसे कोई डिमांड करता है ना। अच्छा, तो हम घर तक पहुंचाते हैं। अच्छा, घर अच्छा। से भी ऐसे अच्छा। ऐसा हमारा कोई अलग से संस्थान नहीं है। वैसे हिलांस के माध्यम से भी हम लोग जो अपने उत्पादों को बेचते अच्छा। हैं। और ये क्या है? यू तरल गुड़ से खुद को खुद खुद हाँ अच्छा। तरल गुड़ से यू, और यू सब मो जेठ जेठ वाल मोह है, औषधि जो मोह हो चाहे वो मोहल दी प्रकार होना। हाँ, एक जो जेठ वाल मोह हो चाहे वो औषधि, और जो खुशबू वाल स्वाद वाल जो वो कार्तिक वाल मोह हो, सफ़ेद हो। अच्छा, हाँ, ये पूर्व मिठू नहीं हो। अच्छा, ये में हल्का कड़वापन ले हो, हल्का खट्टापन ले हो, ये औषधि गुण। अच्छा, ये गन्ना से अमल पिथौरागढ़ में नहीं है, पहल शुरू कर रहे हैं। फिलहाल अमल 52 नाली में गन्ना स्थापित कर रहे हैं और 17 लाख प्रोजेक्ट जो है हमारे गन्ना पिराई और गुड़ बनाना संयंत्र स्थापित कर रहा है ग्राम डुंडू में। MBADB योजना था हमारे महिला समूह कर रहा है स्थान, तो हम इससे गन्ना बढ़े जो लिक्विड गुड़, तरल गुड़ और औषधि गुड़ जो पहाड़ी गुड़ है वो बनू रहे। क्या ये धूप से जो धूप ले तो गोबर से कम है, थोड़ा ये जो समय थे और फूलों को सुखा यो गोबरा दिए थे ना, इन ध्यान का फैद यो कि ये जरूरना बाद अगर हम खेत में कितनों खादों काम कर सी, और दोहर बाद अगर ये पन में अगर ये ताल में कितनों हम मच्छर खाना काम कर, हमेशा यो इको फ्रेंडली पुरान में ये है वो हिसाब लियो बहुत बड़ी से। हमारे जो भजी भाई जन रिटायर्ड बोले बहुत बड़ी उद्यम कर रहे हैं, मिसाल से प्रेरणा करने वाली बात है। और आम भजी के लगे आम जो घर बेरोजगार से अपन घर में रहते हुए कर सकना। ये ज्योतिष का वो है, ये घड़ी है कोई, सौर पंचांग है ये, इसके बारे में ये बहुत पहले हमने एक लेख निकाला था और गांव में प्राचीन ज्योतिष के प्रमाण पत्र में ये 1666 में जो है इस जगह को शोर फायद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका उर्ग की ये पूरे एरिया शोर खड़ा है, समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं। ये जनों पत्रियाँ जो हैं साके 1804 सन 1893 की हैं। अच्छा, ये 1893 की है। और ये जो है ये भी बहुत प्राचीन है। ये किस कागज में हुआ है? ये सन 1853 की है। अच्छा, ये भोजपत्र में, भोजपत्र में, भोजपत्र में देखिए ये राइटिंग हाथ से लिखा गया, ये सब हाथ से लिखा गया। अच्छा, ये सब हाथ से लिखा गया, ये ऐसी राइटिंग लग रही है, ऐसे लग रही है मतलब कंप्यूटर नहीं, कहीं कंप्यूटर की है, लेकिन ये हाथ से लिखा गया है। अच्छा, हाथ से, उसमें ये हाथ से भी लिखने की एक परंपरा चित्रित है, ये चित्र भी बनाए, ये भी हाथ से बनाए, ये हाथ से बनाए। बार हमको दिख रही है, इसका क्या बताते हैं कि हम उनके परिवार में किसी को जो है
दी गई है, क्योंकि पहले ऐसे कभी कभी जो है राजपूत वर्ग दान में भी दिया करता था, अब संभवतः उन्होंने इसका स्पष्टीकरण तो नहीं है, लेकिन तलवार लगभग कौन से सन की लगभग होगी, ये भी लगभग बहुत 300-400 वर्ष पुराना, 1939 से 1945 तक के लिए आपके वीर अर्जुन संसार और ये वक्त है, इनमें जो है इनके अंदर जो है ये सुभाष चंद्र बोस इनके बारे में पासपोर्ट रजवार के संबंध में ये रजवारों के पत्र हैं और ये उन्होंने अपना पूरा विवरण दे रखा है, ये मेरे उनके साथ करेस्पॉन्डेंस चलती थी तो उसका उन्होंने मेरे को काफ़ी जानकारियाँ दी, ये वो लिखा है। और एक इसमें जो सबसे प्राचीन चीज़ है ये एक वंशावली दी है उन्होंने, ये उन्होंने बताया कि पहले मल्ल पाल और वंशाही एक ही वंश के होते, ये सब जाति मुखौटे हैं, मतलब ये बदलते रहते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं, और एक ये अस्कोट के संबंध में एक मैं बड़ा प्राचीन है, और एक ये 1928 का एक वो है कि तब शिक्षा की क्या व्यवस्था होती है, इसमें भी ये जानकारियाँ दी हैं, और कोई मुदस्सिमीन जो मतलब अध्यापक होता था उसको मुदस्सिमीन कहते हैं, मुस्लिम होता है, ये सबसे बहुत पुराना पत्र 1873 ओरिजिनल है, ये कौन सा पत्र है, ये रेंजे कमिश्नर ने अस्कोट रजवार को लेटर दिया है कि तुम मतलब हमको सालाना इतना कर दोगे, अच्छा तो इसके संबंध में आप बीच में ट्रांसलेशन करवा रहे थे, हाँ वही बात, ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर है, और ये रजवारी का पद मतलब कैसे आपको दिया जाता था, रजवारी का पद जो था कि एक हिसाब से वो SDM ही समझिए उस समय उसको, वो दिया जाता, फिर उसको धीरे धीरे क्या गया तालुकेदार कहने लगे, जैसे कॉन्वेंट तालुकेदार होता है उसे तालुकेदार हो गया, एक तालुके का हो गया, तो उसके मतलब 84 गाँव थे, लेकिन बाद के उसमें उनके गाँव की संख्या बढ़ गई, उतने गाँव में वो टैक्स लेने लगे, या मल्ला अस्कोट तल्ला अस्कोट दो वो हो गए, तो उनके जो है एक्स्ट्रा गाँव और हो गए, तो उसमें जो मल्ला अस्कोट है जिसमें जहाँ के अभी ये बीरेन पाल वगैरह हैं, तो इनका गांव जो है मल्ला खेला वगैरह खेला तो गुरजुआ क्या क्या गांव है, तो उसमें करीब करीब 22 गांव इनको फिर एक्स्ट्रा मिले। अब बारी थी शाम की वेला की, जिसमें प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रसिद्ध लोक गायकों द्वारा प्रस्तुत दी जा रही थी। I'm not afraid to die.
जी।